एक डिफ्रेंशिएशन में एक पॉइंट और है दैट इज से नेक्स्ट पॉइंट मान लिया हमने कि पी एक्स इज अ पॉइनॉमल फंक्शन से मान लिया पी एक्स ऐसे देखा पी एक्स इज इक्वल टू से ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंडसॉन लास्ट में आके कितना आ गया ए एन एक्स एस टाइम ठीक है लो ये कुछ दे रखा है अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ ये ठीक है डी डी एक्स तो पी डीश एक्स कितना आ जाएगा यह आ जाएगा ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एन सोन लास्ट में आ जाएगा ए एन ये ठीक है या फिर एन इंटू ए एन एक्स रेस्टू बार एन माइनस वन या आ जाएगा ठीक है अगर मैं पी डैश एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूँ डी डी एक्स तो आ जाएगा पी डबल डैश एक्स इज इक्व टू टू ए टू प्लस थ्री इंटू टू इंटू ए थ्री एक्स प्लस फोर इंटू थ्री इंटू ए फोर एक्स स्क्वायर प्लस एन ऑन लास्ट टर्म हो जाएगा एन एन माइनस वन ए एन इंटू एक्स एस टू एन माइनस टू ठीक है एक और किया बस एक डिफ्रेंशिएट और तो p का थर्ड डेरिवेटिव इज इक्वल टू इस बार आएगा थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू ए थ्री फोर थ्री टू ए फोर इन टू एक्स प्लस एंड एन है लास्ट में रहगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू ए एन इन टू एक्स टू पर एन माइनस थ्री ये आ जाएगा तीन बार डिफ्रेंस ठीक है।, है क्या कर रहे हैं अभी पता लग जाएगा सबसे पहले मैं पी एक्स एक, एक पॉइंट नॉर्मल दे रखा है ठीक है हाँ तो अगर ये जो पी एक्स है इसमें अगर मैंने एक्सिक्वस टू जीरो रखा तो क्या हो जाएगा कि एक्स के आगे वाले सारे टर्म वैनिश हो जाएंगे जीरो 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 खत्म हो गया केवल ए नॉट बचा तो पी जीरो कितना हो जाएगा ए नॉट ठीक है इसमें अगर मैंने एक्स की जीरो रखा तो क्या होगा अच्छा पहली बार तो डिफ्रेंशिएशन करने से क्या हो गया कि जो कॉन्स्टेंट टर्म था वो पहले ख़त्म हो गया अब जो एक्स का कोफिशेंट है वो कॉन्स्टेंट बन गया एक बार डिफ्रेंशिएट करने से और जीरो रखने से क्या हो गया कि इस कांस्टेंट को छोड़ के आगे वाले सारे टर्म जीरो हो गए तो p डैश जीरो कितना हो गया ए वन ठीक है फिर p डैश एक्स तो यह क्या एक बार डिफ्रेंशिएट किया एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो अब क्या हो गया कि अब जो x का कोफिश सॉरी जो एक्स का कोफिशेंट था ओरिजिनली ए वो तो कॉन्स्टेंट टर्म में आ रहा है ये ठीक है और बाकी सब के साथ एक्स आ रहा है तो अब अगर मैंने इसमें एक्स की जगह जीरो रखा तो पी डबल डैश जीरो कितना हो जाएगा टू ए टू तो ऐसे ही कुछ जीरो रखने से क्या होगा कि मतलब इसमें हमने क्या किया दो बार डिफ्रेंशिएट करके जीरो रखा तो दो बार डिफ्रेंशिएट करने से क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है ए टू उसके आगे वाले तो अपने आप खत्म हो गए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो कॉन्स्टेंट टर्म में कन्वर्ट हो गया मतलब वो कॉन्स्टेंट तो पहले ही से था बट जो एक्स वाला पूरा टर्म है वो कॉन्स्टेंट बन गया और ये तो हुआ डिफ्रेंशिएट करने का इफेक्ट फिर जीरो रखने से क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर के आगे वाले जितने भी सारे टर्म हैं ये ठीक है वो सारे खत्म हो गए तो यहाँ से तो यहाँ से ए टू का वैल्यू तो आ गया ठीक है इसमें अगर मैंने एक्सपीरो रखा फाइनली तो आई विल गेट थर्ड डेरिवेटिव इवेल्यूएटेड एट जीरो थ्री टू वन इन ए थ्री अब लॉजिक समझ में आ गया होगा कि मान लिया हमें कोई पॉरिनॉमल दे रखा है तो अगर हमें उसका कॉन्स्टेंट टर्म निकालना है तो उसमें हमने एक्सर जीरो रख दिया कोफिशियंट ऑफ एक्स निकालना है ए वन क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स ए टू क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशियंट ऑफ एक्स निकालना है तो एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो रख दिया कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो दो बार डिफरेंशिएट करके जीरो रख दिया ये ठीक है अच्छा ए टू क्या है बेसिकली पी डबल डैश जीरोड बाई टू टू बेसिकली है वन इंटू टू है एक बार डिफेंशिएट करोगे तो टू आ गया आएगा फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो वन आ गया आएगा वैसे ही यहाँ पे जो a3 है दैट इज p का थर्ड डेरिवेटिव एवेटेड एट जीरो या फिर दिस इज नथिंग बट p का थर्ड डेरीवेटिव एवेल्यूट एट जीरो फैक्टोरियल तो सिमिलरली क्या हो जाएगा ए फोर क्या हो जाएगा पी को डिफ्रेंशिएट किया चार बार जीरो रखा डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल दिस इज कोफिशियंट ऑफ एक्सरेस्टूपर फोर ठीक है तो इन जनरल कोफिशियंट ऑफ एक्सरेस्टूपर आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू पी को डिफ्रेंशिएट किया आर बार ब्रैकेट में रखने का मतलब क्या पावर नहीं है डिफ्रेंशिएशन है आर बार डिफ्रेंशिएट किया फिर उसमें जीरो रखा और नीचे आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया तो ये आंसर आ गया ठीक है ठीक है आई होप समझ में आ गया होगा कोई भी पॉइंट नॉर्मल है उसमें अगर आर एक्स एस को आर का कोफिशियन निकालें थियोरटिकली ऐसे करेंगे नहीं वैसे प्रैक्टिकली तो उसको आर बार डिफरेंशिएट किया फिर जीरो रख दिया हमने ये क्यों बोला प्रैक्टिकली क्यों नहीं करेंगे क्योंकि अगर बड़ा कोफिशियन निकालना होगा तो इतनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे शुरू शुरू वाले निकालने हैं या आखिरी वाले कोफिशियन निकालने हैं तो, तो फिर कर सकते हैं ठीक है जैसे मान लिया क्वेश्चन में ये दिया जाए से टू प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स क्यूब टू पावर मान लिया ट्वेंटी फाइव इसको हमने बोला ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सन इसमें अगर हम ओपन करेंगे तो ये थ्री है ये ट्वेंटी फाइव है तो थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव कितना होगा सेवेंटी फाइव तो एक्स का हाइस्ट पावर इसी की वजह से आ सकता है तो एक्स का हाइस्ट पावर कहाँ तक जाएगा सेवेंटी फाइव तक तो मान लिया ये आ गया ये ठीक है देन फाइंड ए नाट ए वन ए सेवेंटी फाइव ठीक है तो आंसर क्या होगा इसमें डायरेक्टली जीरो रख दिया एक्स के जीरो रखने पे कितना आएगा टू रेस टू पार ट्वेंटी फाइव और राइट हैंड साइड से कितना आएगा ए नॉट तो ये तो वैल्यू आ गया ए नॉट का ठीक है फिर इसमें हमने क्या किया डिफ्रेंशिएट किया डी डी एक्स तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन आएगा ट्वेंटी फाइव टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स क्यूब रेस टू पार ट्वेंटी फोर क्स प्लस फिफ्टीन एक्स स्क्वा ठीक है इज इक्वस टू ये तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन हो गया राइट हैंड साइड का डिफेंसिएशन आ जाएगा ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस एंड ठीक है इसमें जीरो रखा एक्स इज इक्वस टू जीरो तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा इन दोनों ही टर्म में जीरो आ रहा है इसमें भी जीरो आ रहा है इसमें भी जीरो आ, इस आ, इस आ रहा है तो जीरो इज इक्व टू कितना आ जाएगा ए वन दिस इंप्लाइज ए वन इज इक्व टू जीरो ठीक है तो ए नॉट तो आ गया कॉन्स्टेंट डू डेस्ट टू वी फाइव और ए वन आ गया या कोफिशेंट ऑफ एक्स कितना आ गया जीरो ठीक है अब उसने तीसरा चीज क्या पूछा है ए सेवेंटी फाइव ए सेवेंटी फाइव मतलब आखिरी कोफिशेंट तो ऑफकोर्स ऐसे तो करेंगे नहीं कि इसको सेवनटी फाइव टाइम डिफ्रेंशिएट करें फिर जीरो रखें वो तो पागल हो जाएंगे ठीक है अगर हमें लास्ट वाले कोफिशियंट से मतलब है तो हमने क्या किया इसके अंदर इसके अंदर हमने क्या किया एक्स किया पहले वन बाई एक्स रखा ठीक है तो क्या लिखा है दो तीन पांच क्या लिखा था टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स क्यूब ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंडस वन तो ए सेवेंटी फाइव एक्स रेस्ट टू पार सेवेंटी फाइव ये लिखा था हमें चाहिए क्या ए सेवेंटी फाइव अगर आखिरी वाला कोफिशियंट चाहिए या ए सेवेंटी फोर चाहिए तो इतनी बात तो डिफ्रेंशिएट करेंगी नहीं ऑफकोर्स उसके लिए हमने क्या बोला इसमें एक्स की गए वन बाई एक्स को पहले तो क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है बराबर ही होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा टू प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव अपॉन एक्स क्यूब टू पावर ट्वेंटी फाइव इज इक्व टू ए नॉट प्लस ए वन अपॉन एक्स प्लस ए टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए सेवेंटी फाइव अपॉन एक्स रेस्टू पर सेवेंटी फाइव तो अब इसमें हमने क्या किया दोनों तरफ एक्स रेस्टू पर सेवेंटी फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है तो इसमें अगर एल सी एम एल सी एम लोगे तो डिनोमिनेट में एक्स क्यूब आएगा वो अगर पच्चीस पावर के बाहर निकाला तो डिनोमिनेट में एक्स रेस टू फाइव आएगा वो तो कैंसिल हो गया इसके साथ और बचा क्या टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव रेस्ट ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ए नॉट सेवेंटी फाइव प्लस ए वन इंटू एक्स रेस्ट बार सेवेंटी फोर प्लस सो ऑन लास्ट में आ जाएगा ए सेवेंटी फोर एक्स प्लस ए सेवेंटी फाइव ठीक है